वेलकम क्लास 11। आज हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पिछले क्लास में रेडिकल के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें रेडिकल में हमने रेडिकल को दो टाइप्स में बांटा था, चार्ज के प्रकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ चार्जेस। अगर पॉजिटिव चार्ज था तो उसको हम धनमूलक या पॉजिटिव रेडिकल कह रहे थे, और नेगेटिव चार्ज था तो उसको हम नेगेटिव यानी कि नेगेटिव रेडिकल्स या ऋणमूलक कहते थे। इनको उनको बेस और एसिड रेडिकल भी कहा जाता था। कल क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उसी रेडिकल्स को किसी और क्राइटेरिया पे भी क्लासिफाई करेंगे। जैसे रेडिकल्स में एटम की संख्या के आधार पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि उस रेडिकल में परमाणु की संख्या कितनी है उसके आधार पर हम रेडिकल्स को दो भागे बांटते हैं, सिंपल और मोनोएटॉमिक, और दूसरा कम्प्लेक्स या पॉलीएटॉमिक। सिंपल का मतलब होता है साधारण, या फिर इसको कहेंगे एकल परमाणुविक, और इसको कहेंगे बहुपरमाणुविक रेडिकल्स। तो एकल परमाणुविक या मोनोएटॉमिक रेडिकल्स में रेडिकल्स ऐसे रेडिकल हैं जिनमें एटम की संख्या एक होती है, सिंगल एटम होता है। और कम्प्लेक्स पॉलीएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक रेडिकल में ऐसे रेडिकल हैं जिनमें एक से अधिक एटम होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, सो Na+ एक मोनोएटॉमिक रेडिकल है चूँकि इसमें एक ही एटम है Na, K+ मोनोएटॉमिक है, F- मोनोएटॉमिक है, Cl- मोनोएटॉमिक है। अर्थात ये सिंपल या मोनोएटॉमिक रेडिकल्स तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, और इसमें परमाणुओं की संख्या एक होती है, सिंगल होती है, वन होती है, इसे हम सिंपल या मोनोएटॉमिक रेडिकल्स कहते हैं। कम्प्लेक्स या पॉलीएटॉमिक रेडिकल्स वैसे रेडिकल हैं जिसमें एटम की संख्या एक से अधिक होती है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं NH4, N एक और चार H है, यानी पाँच एटम्स हैं, तो एक से अधिक एटम हो गए। यहाँ पर तीन और एक चार एटम है, यहाँ पर एक सल्फर है और चार ऑक्सीजन, पांच एटम है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और तीन ऑक्सीजन है, चार एटम। तो यहाँ एक से अधिक एटम की संख्या है, और इन पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। चार्ज की संख्या एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। सिर्फ इतना ही क्राइटेरिया है कि अगर जिस रेडिकल में एटम की संख्या एक है उसे हम मोनोएटॉमिक या सिंपल कहेंगे, और जिस रेडिकल में एटम की संख्या एक से अधिक हो उसे कम्प्लेक्स या पॉलीएटॉमिक कहेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। इसी प्रकार रेडिकल्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस हैं रेडिकल के ऊपर उसके आधार पे भी हम क्लासिफाई करते हैं। और ये हो सकता है मोनोवैलेंट हो, बाइवैलेंट हो, ट्राइवैलेंट हो, टेट्रावैलेंट हो, या पेंटावैलेंट आगे भी हो सकता है। मोनोवैलेंट मतलब उस पर एक सिंगल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, बाइवैलेंट में दो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, और ट्राइवैलेंट में तीन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। इसी प्रकार टेट्रावैलेंट अगर कोई रेडिकल है तो उसमें चार या चार पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं H+, H+ में एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, इसी प्रकार NH4+ में सिंगल पॉजिटिव चार्ज है एक, K+ में सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे NO3- एक नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इन सब को हम मोनोवैलेंट रेडिकल्स कहेंगे, क्योंकि इनमें इनमें चार्जेज की संख्या इनकी आवेशों की संख्या एक है, यानी सिंगल आवेश, एकल आवेश हैं, तो एकल आवेशित कहलाते हैं। ये द्वि आवेशित कहेंगे, ये त्रि आवेशित कहलाएंगे, और ये चतुर आवेशित कहलाएंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। तो यानी चार्जेज की संख्या के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। मोनोवैलेंट में एक चार्ज होगा चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बाइवैलेंट में दो चार्जेज होगा चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ट्राइवैलेंट में तीन चार्जेज होंगे, आवेश होंगे चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसी प्रकार चतुर आवेशित यानी टेट्रावैलेंट में आवेशों की संख्या चार होगी, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकते हैं। सभी का एग्जाम्पल नीचे से Fe2+, Ca2+, Cu2+, SO4- इन सब में दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्ज हैं तो बाइवैलेंट हो गए। यहाँ आप देख पा रहे हैं तीन पॉजिटिव चार्ज है, तीन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तीन नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरह से ट्राईवैलेंट रेडिकल्स कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं SN4+ में 4+ में चार पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी चार पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह से क्या हो गए, टेट्रावैलेंट रेडिकल्स हो गए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव रेडिकल के बारे में चर्चा करेंगे, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में जब एलिमेंट पढ़ रहे थे तो हम बात कर चुके थे कि एलिमेंट्स को यानी तत्वों को कुल 18 समूहों या ग्रुपों में बांटा गया है। तो हम इस 18 ग्रुप में से उनका नामकरण था, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ करके, इस तरह से 18 तक ग्रुप का नाम था। तो अब इसमें से ग्रुप वन और ग्रुप टू के पॉजिटिव रेडिकल्स के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो ग्रुप वन के रेडिकल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ग्रुप टू के रेडिकल्स यहाँ पे दिए हैं, नाम के साथ है।
H से बन गया H प्लस, यानी मोनोवैलेंट रेडिकल, मोनोवैलेंट 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 रेडिकल, यानी ग्रुप वन के जितने भी रेडिकल होते हैं वो मोनोवैलेंट होते हैं, अर्थात इनमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि चार्ज की संख्या, आवेश की संख्या एक होता है, ये एकल आवेशित होते हैं। नाम है H प्लस का हाइड्रोजन आयन, Li प्लस का लिथियम आयन, Na प्लस का सोडियम आयन, K प्लस का पोटेशियम आयन, Rb प्लस रूबिडियम आयन, Ca सीजियम आयन, यहाँ C लिखा हुआ है, और Fr फ्रांसियम आयन। इसी प्रकार ग्रुप टू में Be2 प्लस बेरिलियम आयन, Mg2 प्लस मैग्नीशियम आयन, Ca2 प्लस कैल्शियम आयन, Sr2 प्लस स्ट्रॉन्शियम आयन, Ba2 प्लस बेरियम आयन, Ra2 प्लस रेडियम आयन। याद करने का ट्रिक जो है वो याद रहेगा, स्ट्रिक से याद करेंगे आप, एच हो गया ह ली ना, के रब, सी एस को हम से पढ़ेंगे और एफ आर से फरियाद, यानी ये जब ट्रिक याद रखेंगे हलीना के रब से फरियाद, इस ट्रिक के द्वारा आप ग्रुप वन के सभी एलिमेंट्स का नाम याद रख सकते हैं, और जब एलिमेंट का नाम याद रहेगा तो रेडिकल तो सब में प्लस वन चार्ज होना है और नाम सबका हो ही जाएगा। एच से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, नैट्रियम इसका लैटिन नेम है, और के से कैलियम यानी पोटेशियम, और रब से रुबिडियम, और से हो गया सीजियम, एफ आर से हो गया फरियाद। इसी प्रकार इसको हम याद रख सकते हैं, बी से हो गया बेटा, एम जी से हो गया मांगे, सी ए से हो गया कार, एस आर से हो गया कार का नाम, कौन सा कार, तो सेंट्रो, और जब बेटा मांग रहा है तो बाप को राजी तो होना ही है, तो बाप राजी, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। इस तरह से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं ग्रुप वन और ग्रुप टू के रेडिकल्स, पॉजिटिव रेडिकल्स के बारे में। ग्रुप वन के जितने भी रेडिकल होंगे उन पर प्लस वन चार्ज होगा, और ग्रुप टू के जितने भी रेडिकल होंगे उन पर प्लस टू चार्ज होगा, अर्थात ग्रुप वन के रेडिकल मोनोवैलेंट होते हैं। मोनोवैलेंट होने के साथ साथ पॉजिटिव रेडिकल होते हैं, मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स, और ग्रुप टू के होते हैं मोनोवैलेंट सॉरी डाईवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स। डाईवैलेंट क्योंकि दो चार्ज हैं, पॉजिटिव रेडिकल्स, डाईवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स। तो इस तरीके से ग्रुप वन और ग्रुप टू के रेडिकल्स को याद किया जा सकता है। ग्रुप तीन से बारह, यानी तीन से बारह समूह के तत्वों को याद करने का ट्रिक है, सिस्टी VCR में SC और TI मिलकर हो गया सिस्टी, भी हो गया वी, CR, MN हो गया मे, FE से हो गया फे, CO से हो गया को, NI से नी, CU से कू, ZN से जन, अर्थात सिस्टी VCR में फे को निकूजन। ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, पूरा याद रहेगा, दो चार बार प्रैक्टिस कीजिएगा याद हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ वाई से यामहा, जेड आर से जरा, एन बी एम ओ से मिलकर हो गया निम्मो, टी सी आर यू से हो गया टिकरू, आर एच से रहो, पी डी से पंडित, ए जी सी डी से सी डी। ये फिफ्थ पीरियड एंड फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड ग्रुप वन ग्रुप तीन के एलिमेंट्स ही हैं, सिस्टी वाई एस सी वाई ला, यानी कि एल ला, इसके बाद यानी कि लाइन से है नीचे, ऊपर से नीचे ग्रुप है, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सामने सामने है, तो लेकिन याद करेंगे हम इस तरफ से, तीन से सीधे बारह तक फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड का फोर्थ पीरियड का ट्रिक है सिस्टी VCR में फेको निकूजन, फिफ्थ पीरियड का ट्रिक है यामहा जरा निम्मो टिकरू रहो पंडित तेजी सिटी, और सिक्स्थ पीरियड का है ला हफ्ता डब्लू रे ओ सर पी टी ए सी। लेकिन ये सारे के सारे एलिमेंट्स का हमको रेडिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रेडिकल जो हमको पढ़ना है वो ए वाला ग्रुप 8, 11 और 12। ग्रुप 8 में एक एलिमेंट पढ़ना है Fe, ग्रुप 11 में कॉपर सिल्वर गोल्ड, और ग्रुप 12 में जिंक कैडमियम मरकरी। ये सात एलिमेंट्स 3 से 12 ग्रुप के बीच में हैं जिनका हमें रेडिकल्स पढ़ना है, पॉजिटिव रेडिकल्स। तो आठ ग्रुप में सबसे पहला आयरन पढ़ना है, तो आयरन के दो रेडिकल होते हैं Fe2+ और Fe3+। Fe2+ चूँकि दो इस पे चार्ज है, आवेश दो की संख्या दो है, इसलिए इसे डाईवैलेंट आयन कहते हैं, डाईवैलेंट रेडिकल है, डाई मैंने दो, वैलेंट मैंने चार्ज, दो चार्ज। इसी प्रकार Fe पे 3+ चार्ज है, तो इसको हम ट्राई मैंने तीन और वैलेंट मैंने चार्ज, तो तीन ट्राईवैलेंट चार्ज कहलाएंगे। तो डाईवैलेंट जो Fe2+ है इसको फेरस या आयरन 2 कहते हैं। याद रखिए किसी एलिमेंट पे दो अलग अलग चार्ज अगर पाए जाए, एक ही एलिमेंट पे दो या दो से अधिक चार्ज पाए, दो चार्ज की पॉसिबिलिटी आ जाए,
तो सबसे बड़ा वाला जो चार्ज होता है उसको इक कहते हैं, और सबसे कम वाला में अस कहा जाता है। जैसे आयरन का तो लैटिन में फेरम, तो फेरम में कम चार्ज है तो अस लग गया, तो गया फेरस, अम हटा करके अस लगा। इसी प्रकार फेरम में ज़्यादा चार्ज है तो फेरम का अम हटा कर इक लगा, तो हो गया फेरिक। ज़्यादा चार्ज में इक लगेगा, कम चार्ज में अस लगेगा। अगर इक अस नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपली आयरन टू और आयरन थ्री, टू ब्रैकेट में लिखेंगे चार्ज की संख्या रोमन में, तो आयरन टू और आयरन थ्री। इसी प्रकार कॉपर, कॉपर के दो चार्जेस होते हैं, प्लस वन एंड प्लस टू। प्लस वन वाला मोनोवैलेंट है चूंकि ये सिंगल चार्ज है, प्लस टू वाला डाईवैलेंट है चूंकि दो चार्ज है। तो यहाँ पर कॉपर को चूंकि कम चार्ज है प्लस वन, तो इसको क्यूपरस कहेंगे, या कॉपर वन कहेंगे चूंकि एक चार्ज है, और क्यूपरस क्यू टू प्लस को क्यूपरिक कहेंगे, ज़्यादा चार्ज है इसलिए, और या फिर इसको कॉपर टू भी कह सकते हैं क्योंकि चार्ज की संख्या दो है। ए जी प्लस में एक ही चार्ज होता है प्लस वन, इसको सिल्वर आयन कहते हैं, और एक मोनोवैलेंट आयन है चूंकि इस पर चार्ज की संख्या एक है। इसी प्रकार गोल्ड, 11 ग्रुप के यानी कि 8 ग्रुप में आयरन हो गया और 9 ग्रुप में कॉपर सिल्वर और गोल्ड, ये तीन हो गया। तो गोल्ड में भी सेम स्थिति है, ए यू प्लस है, ए यू थ्री प्लस है, एक पे एक प्लस चार्ज है, एक पे तीन प्लस चार्ज है। एक प्लस प्लस वन चार्ज होने के कारण इसे हम मोनोवैलेंट कह रहे हैं, प्लस थ्री चार्ज होने के कारण इसे हम ट्राई वैलेंट कह रहे हैं। और याद रखना है कि ये कम चार्ज है इसलिए अस है, तो इसको ऑरस या गोल्ड वन कहेंगे, और यह ऑरिक जो कि ज़्यादा चार्ज है, या गोल्ड थ्री कहेंगे। तो ये 8 और 11 ग्रुप के तत्वों के बारे में हमने बात किया, इनके पॉजिटिव रेडिकल के बारे में बात किया। अब हम लोग 12 ग्रुप देख लेते हैं। ग्रुप 12 में जिंक, कैडमियम और मरकरी हैं, तीन एलिमेंट हैं, तो तीनों का पॉजिटिव रेडिकल देख लेते हैं। जिंक पे प्लस टू चार्ज होता है, डाईवैलेंट रेडिकल, चूंकि दो प्लस चार्ज है तो डाईवैलेंट रेडिकल होगा, और इस आयन को हम जिंक आयन कहते हैं। कैडमियम सी डी, इस पर प्लस टू चार्ज होता है तो डाईवैलेंट आयन हुआ और पॉजिटिव रेडिकल हुआ, और एक कैडमियम आयन कहलाता है। इसी प्रकार एच जी में एच जी प्लस, यानी एक मरकरी पे एक प्लस, तो मोनोवैलेंट हो गया, लेकिन ये अकेला स्थाई नहीं रहता, दो ऐसे ऐसे दो रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं, तो बना लेता है एच जी भी दो को हो गया, वन वन प्लस 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 टू चार्ज भी हो गया, तो दो मरकरी पे दो प्लस चार्ज, तो एक मरकरी पे एक प्लस चार्ज। हम जब भी काउंट करते हैं चार्ज तो एक मरकरी एक एटम पे काउंट करते हैं, तो एक एटम पे प्लस वन चार्ज है इसलिए मोनोवैलेंट है, और चूंकि मरकरी में वन चार्ज आ रहा है तो हम कहेंगे मरक्यूरस कम चार्ज है, और या फिर मरकरी वन कहेंगे। लाइकवाइज यहाँ पे एच जी टू प्लस में हम देख पा रहे हैं एक मरकरी पे दो पॉजिटिव चार्ज है, डाईवैलेंट आयन है, तो इसका नाम होगा मरक्यूरिक, ज़्यादा चार्ज है इसलिए, और या फिर इसको कहेंगे मरकरी टू। तो ये रेडिकल हो गए 12 ग्रुप तक, एक से लेके 12 ग्रुप तक के रेडिकल्स के बारे में हमने बात कर ली। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे 13 से 18 ग्रुप के बीच में पॉजिटिव रेडिकल्स के बारे में। ग्रुप 13 के रेडिकल्स के या एलिमेंट्स को, तत्वों को याद करने का ट्रिक है बी ए एल, बाल, जी ए एन गेन, टी एल से तेल, बाल गेन तेल, अर्थात बाल यानी सर का बाल को क्या मिला, तेल मिला, गेन मैंने पाना, तेल मैंने तेल, यानी सर को बाल को तेल मिला, तो बाल को तेल मिलेगा तो बाल मजबूत हो जाएगा, इस तरीके से याद कर सकते हैं बाल गेन तेल। 20 हो गया बोरोन, इसका कोई पॉजिटिव रेडिकल नहीं होता। एल्यूमिनियम एल से हो गया, इसका पॉजिटिव रेडिकल एल थ्री प्लस होता है, इस पर तीन चार्ज है इसलिए कैसा आयन है, ट्राईवैलेंट है, ट्राईवैलेंट आयन है और पॉजिटिव रेडिकल है, ट्राईवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल, इसका नाम है एल्यूमिनियम आयन। इसी प्रकार गैलियम के जी एस हो गया, गैलियम, गैलियम के दो आयन होते हैं जी ए प्लस और जी ए थ्री प्लस और जी ए प्लस, जी ए थ्री प्लस, जी ए प्लस, जी ए थ्री प्लस को गैलियम थ्री आयन या इसको गैलिक आयन भी कह सकते हैं, ज़्यादा चार्ज वाला एक, और इसको हम कहेंगे गैलस कम चार्ज वाला, गैलस आयन। इसी प्रकार आयन थ्री प्लस, इंडियम थ्री आयन या इसको हम कहेंगे इंडिक आयन, और इसको हम कहेंगे इंडस आयन या इंडियम वन आयन। थैलियम का टीएल, थैलियम, थैलियम का एक ही प्लस चार्ज, केवल प्लस चार्ज ही होता है, सिंगल प्लस चार्ज होता है इसलिए इसको हम थैलियम आयन कहते हैं। एक प्रकार का मोनोवैलेंट आयन है, पॉजिटिव रेडिकल है, मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल। इसमें आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला ट्राईवैलेंट है और नीचे वाला मोनोवैलेंट, अगेन आप देख पा रहे हैं नीचे नीचे तीन है तो ये हो गया ट्राईवैलेंट, और ये वाला हो जाएगा मोनोवैलेंट। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि सभी रेडिकल जितने भी अब तक बताया है मैंने उसमें एक ही एटम है इसलिए सब के सब सिंपल रेडिकल हैं, सिंपल मोनो मोनोवैलेंट हो सकते हैं, डाईवैलेंट हो सकते हैं, ट्राईवैलेंट, लेकिन सब के सब सिंपल रेडिकल अभी तक हमने पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स रेडिकल के बारे में हमने चर्चा नहीं किया। तो अभी तक 13 ग्रुप तक हमने सभी सिंपल रेडिकल के बारे में पढ़ा।
समूह 14 के एलिमेंट्स को याद करने का ट्रिक है, सी और एस आई से हो गया काशी, जी से हो गया जी में, एस एन से हो गया शंकर, पी से पीबी से पार्वती। तो कार्बन और सिलिकन, सी और एस आई, इनके पॉजिटिव रेडिकल नहीं होते हैं। जर्मेनियम के भी पॉजिटिव रेडिकल नहीं होते हैं। टीन और लेड यानी एस एन और पी बी, टीन का लैटिन नेम अस्टैनम और पी बी का लैटिन नेम प्लम्बम, तो इन दोनों के रेडिकल पॉजिटिव होते हैं। एस एन के दो रेडिकल होते हैं, प्लस फोर और प्लस टू के। प्लस फोर वाले को हम टेट्रावैलेंट रेडिकल कहेंगे पॉजिटिव में, और प्लस टू वाले के दो चार्ज इसलिए डाईवैलेंट कहेंगे। तो टेट्रावैलेंट जो पॉजिटिव चार्ज होता है टीन पे, इसका नाम है अस्टैनिक या टीन फोर, और प्लस टू वाले यानी डाईवैलेंट टीन के रेडिकल को हम कहते हैं अस्टैनस, कम वाला इक ज़्यादा वाला अस, सॉरी ज़्यादा वाला इक कम वाला अस। तो टीन टू टीन फोर को हम अस्टैनिक कह रहे हैं, टीन टू को अस्टैनस कह रहे हैं। इसी प्रकार पीबी के भी यानी लेड के भी दो रेडिकल होते हैं, एक टेट्रावैलेंट और एक डाईवैलेंट, प्लस फोर चार्ज और प्लस टू चार्ज। प्लस फोर वाला चूँकि ज़्यादा चार्ज है इसलिए इसको हम प्लम्बिक या लीड फोर कहेंगे, लेड फोर, और डाईवैलेंट कम चार्ज है इसलिए प्लम्बस अस लग गया या लेड टू कहेंगे। ये 14 ग्रुप के एलिमेंट्स का पॉजिटिव रेडिकल हुआ। पॉजिटिव रेडिकल ग्रुप 15 में भी पाया जाता है, और वो है ऐसा ट्रिक है 15 ग्रुप के एलिमेंट को याद करने का, एन से नेपाली, पी से पंजाबी, ए से आसामी, एस बी से सब, बी आई से भाई, यानी नेपाली पंजाबी आसामी सब भाई भाई। तो एन से नाइट्रोजन है, पी से फॉस्फोरस है, आर ए से आर्सेनिक है, एस बी से एंटीमनी या अस्टेबियम है। इनमें से किसी चारों के पॉजिटिव रेडिकल नहीं पाए जाते। हम बात करें बिस्मत का, तो बिस्मत का एक ही पॉजिटिव रेडिकल पाया गया है, वह है बी आई थ्री प्लस, और एक ट्राईवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल है, इसका नाम है बिस्मत आयन। इसके बाद पॉजिटिव रेडिकल ग्रुप 16 के, ग्रुप 16 में कोई भी पॉजिटिव रेडिकल नहीं है, ग्रुप 17 में भी कोई भी पॉजिटिव रेडिकल नहीं है, और ग्रुप 18 में भी कोई भी पॉजिटिव रेडिकल नहीं है। इसके अलावा दो और पॉजिटिव रेडिकल है जो हमें जानना चाहिए। एक है NH4+, इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, ये एक मोनोवैलेंट रेडिकल है, और याद रखना है ये पॉजिटिव रेडिकल है लेकिन सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट रेडिकल होने के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि इसमें एक से अधिक एटम है। एक और एग्जांपल है H3O+, इसको इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, और ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये भी अमोनियम आयन की तरह मोनोवैलेंट है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक से अधिक एटम का बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स को हम पॉलीएटॉमिक भी कहते हैं, तो यानी कि मोनोवैलेंट एंड पॉलीएटॉमिक, मोनोवैलेंट एंड पॉलीएटॉमिक और कॉम्प्लेक्स, यू कैन से ये दो आयन आपको याद रखना है, पॉजिटिव रेडिकल हैं, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव रेडिकल होते हुए भी मेटल का नहीं, धातु का नहीं बना हुआ है। बाकी जितने भी हमने पॉजिटिव रेडिकल पढ़ा वो सब धातु के थे, तो याद रखना है अधिकांश पॉजिटिव रेडिकल धातु यानी मेटल से बने होते हैं, जबकि ये दो रेडिकल, इसके अलावा एक और हमने ग्रुप वन में पढ़ा था H+, सबसे पहला, वो भी तीन, ये तीन रेडिकल जो हैं वो अधातु के बने होते हैं, जिसमें से H+ सिंपल है, मोनोएटॉमिक है और मोनोवैलेंट है, जबकि NH4+ एंड H3O+ ये दोनों मोनोवैलेंट तो है लेकिन पॉलीएटॉमिक है या कॉम्प्लेक्स है, दैट्स इट। तो अगर आज का वीडियो हमारा समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इससे उत्साहवर्धन होता है हमारा, और अच्छा से अच्छा मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है, धन्यवाद। आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, धन्यवाद।